आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया का नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसका नाम है रेडियाना। रेडियाना 2010 से इंडिया में काम कर रही है और साथ में इनके पास 15 से ज्यादा साइट्स हैं, 100 से भी ज्यादा ब्रांच है इंडिया में। और गाइस यहाँ पे 24/7 का आप सभी को कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है। तो आप लोग को नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, आप लोग जाकर व्हाट्सएप पे इनको कॉन्टेक्ट कीजिए और सभी डिटेल्स ले लीजिए। कमेंट में इनका सभी डिटेल्स आप सभी को देखने को मिल जाएगा, तो जाके आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए रेडियाना से। आरसीबी की टीम की तरफ से गाइस यहाँ पे काफी बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। आरसीबी की ओपनिंग को लेकर अपडेट सामने निकल कर आ रही है, साथ में गाइस यहाँ पे प्रैक्टिस कैंप की तरफ से अपडेट सामने निकल कर आ रही है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहली न्यूज के बारे में। सबसे पहली जो गाइस यहाँ पे न्यूज निकल कर आ रही है आरसीबी के ओपनिंग को लेगी, तो गाइस यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग कह रहे ना कि यहाँ पे अनुज रावत को बाहर निकालना चाहिए एंड अनुज रावत की जगह पे किसी और खिलाड़ी को यहाँ पे मौका देना चाहिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को। अगर विराट कोहली नंबर 3 पे बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे तो फिर विराट कोहली के साथ यहाँ पे ओपनिंग करवाना चाहिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को, अनुज रावत को नंबर 3 पे भेजना चाहिए, ऐसा आरसीबी के फैंस का कहना है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें अनुज रावत को, तो गाइस पे 7 मुकाबले हो चुके हैं और गाइस पे अनुज रावत के बल्ले से अभी तक यहाँ पे रन हम सभी को देखने को नहीं मिले। एक मैच में गाइस उनके बल्ले से रन निकले हैं, उसके बाद गाइस अगर हम लोग बात करें तो गाइस उनके बल्ले से रन हम सभी को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले हैं। और आरसीबी के मैनेजमेंट ने इनके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा किया था, लेकिन गाइस अभी तक अनुज रावत उनके भरोसे पे खड़ा नहीं उतरे हैं। अगर हम लोग अनुज रावत की बात करें तो गाइस यहाँ पे एक मैच में अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद गाइस हम सभी को उनके बल्ले से परफॉर्मेंस देखने को मिला ही नहीं है। और अगर यहाँ पे विराट कोहली नंबर 3 पे बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे सही से, तो गाइस यहाँ पे विराट कोहली को ओपनिंग करवाना चाहिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस का ऐसा कहना है। और गाइस यहाँ पे आरसीबी के मैनेजमेंट को थोड़ा सा विराट कोहली के ऊपर ध्यान देना चाहिए। विराट कोहली अगर 3 नंबर पे बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे तो उनके साथ शायद ओपनिंग करवाना चाहिए फैफ डुप्लेसी को। और अगर विराट कोहली की बात करें तो गाइस विराट कोहली का आईपीएल में जितना भी रन है वो ज्यादातर रन हम सभी को ओपनिंग में नजर आए हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग भी ये भी सही रहेगा कि अगर विराट कोहली आरसीबी की टीम के लिए ओपनिंग करते हैं तो ये भी गाइस पे बहुत ही अच्छा होने वाला है किंग कोहली के लिए। तो गाइस आपका इस पर में क्या ओपिनियन है, तो आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाके अपना अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। बट गाइस मुझे भी अब नहीं लगता कि अनुज रावत को आरसीबी की टीम इतना ज्यादा मौका देने वाली है, क्योंकि उनके बल्ले से रन निकल ही नहीं रहा है। आरसीबी के टीम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत सारे मौका उनको दिए हैं, 7 मुकाबले हो चुके हैं, लेकिन परफॉर्मेंस अभी तक हम सभी को देखने को नहीं मिला है अनुज रावत से। तो गाइस आपका इस पर में क्या ओपिनियन है, आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट निकल कर गाइस आ रही है यहाँ पे प्रैक्टिस कैंप की तरफ से। प्रैक्टिस कैंप की बात करें तो गाइस पे हम सभी को फैफ डुप्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली, अनुज रावत हम सभी को बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे गेंदबाजी के बारे में। तो गेंदबाजी में हम सभी को सारे के सारे गेंदबाज गाइस हम सभी को गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड गाइस पे हैदराबाद के साथ जो मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम खेलने वाली है, उसकी तैयारी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम पूरी तरह से गाइस पे जोरों शोरों से कर रही है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पे प्रैक्टिस कैंप में गाइस पे कौन कौन से खिलाड़ी हम सभी को थोड़ा सा ज्यादा गाइस पे रन बनाते हुए नजर आए हैं, ज्यादातर हम सभी को नेट प्रैक्टिस में नजर आए हैं। तो गाइस पे खिलाड़ी है गाइस यहाँ पे दिनेश कार्तिक, क्योंकि दिनेश कार्तिक की बात करें तो गाइस रिसेंटली उनका गाइस पे कॉल आया है इंडियन टीम से। जी हाँ गाइस पे T20 में गाइस दिनेश कार्तिक का सिलेक्शन हो चुका है इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज में, तो वहां पे हम सभी को दिनेश कार्तिक नजर आने वाले। एंड आईपीएल में गाइस उनको परफॉर्म करना पड़ेगा जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, और गाइस हम सभी को दिनेश कार्तिक नेट में थोड़ा सा ज्यादा वक्त इस बार नजर आए हैं। अब बात कर लेते हैं फैफ डुप्लेसी के बारे में, तो गाइस फैफ डुप्लेसी भी हम सभी को नेट में गाइस पे बड़े बड़े शॉट लगाते हुए नजर आए हैं, साथ में ग्लेन मैक्सवेल नजर आए हैं एंड विराट कोहली भी गाइस हम सभी को प्रैक्टिस करते हुए नजर आए हैं। बट गाइस विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली गाइस अपना प्रैक्टिस जो कि पूरी तरह से कर रहे हैं, मैच में भले उनसे रन ना निकले लेकिन गाइस अपना काम विराट कोहली जो कि बखूबी कर रहे हैं, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस मेहनत का फल उनको मैदान पे जरूर मिलेगा और अगले मुकाबले में ही मिलेगा एसआरएस के खिलाफ। तो गाइस ये अपडेट सामने निकल कर आ रही थी, तो अगर आपको आज की अपडेट अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।